नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सोन कक्ष से एसएससी की परीक्षा देने आए दो छात्रों को बेगम बाग में चाकू मारे। दोनों छात्र पैदल महाकाल दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बेगम बाग क्षेत्र में चार युवकों ने चाकू से हमला किया है। घायलों को जिला चिकित्सालय उपचार हेतु भेजा गया है। महाकाल थाने का हिंदुवादी संगठन ने घेराव किया। एडिशनल एसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दो टीमें बनाई है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र के बेगमबाग में शुक्रवार शाम लगभग 4:30 बजे देवास जिले के सोनकक्ष तहसील के भलाई खुर्द गांव में रहने वाले संदीप उम्र 18 वर्ष और शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ोदिया तहसील के गांव अमसिया खेड़ी के पंकज सिंह उम्र 22 वर्ष को बेगमबाग क्षेत्र में 6 अज्ञात बदमाशों ने चाकू से घायल कर दिया। घायल के अनुसार वो सुबह 11:30 बजे प्रशांति कॉलेज में एसएससी की एग्जाम देने आए थे। लगभग 2:30 बजे एग्जाम देकर निकले। शाम 4:30 बजे के लगभग हरी फाटक का पुल उतरकर बेगमबाग चौराहे से गुजर रहे थे, तभी 6 युवकों ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। दोनों ने कहा कि महाकाल मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद अज्ञात युवकों ने दोनों श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट की वजह पूछने पर कहा कि हमारा इलाका है, यहां से नहीं जा सकते, जिसके बाद संदीप की कमर पर चाकू से 4 बार वार किया और पंकज के साथ भी मारपीट की घटना के बाद दोनों घायल युवकों ने प्राइवेट अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ में काम करने वाले अपने परिचित राहुल गुर्जर को फोन किया। वहां जाकर ड्रेसिंग कराई, उसके बाद महाकाल थाने शिकायत करने पहुंचे। महाकाल मंदिर के श्रद्धालु के साथ हुई चाकूबाजी की घटना की जानकारी पर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता महाकाल थाने पहुंचे। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग एसपी से की है। घटना की जानकारी लगने के बाद महाकाल थाने पर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। महाकाल थाना पुलिस ने घायलों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी इंद्रजीत बाकलवाल ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दो टीम गठित की है। जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। जी, आज दोपहर बाद दो बच्चे जो कि प्रशांति धाम में जाम देने आए थे, हरिफाटक ब्रिज से बेगमबाग के रास्ते होते हुए महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पैदल पैदल जा रहे थे। तो ब्रिज से नीचे उतरते हैं, अचानक की मोटरसाइकिल होती है, किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी होती है। कहासुनी होने पे फिर मारपीट होती है और एक प्रतिपक्ष का कहना है कि चाकूबाजी घटना दर्ज की गई है। वहाँ से प्रतिपक्ष अपने बच्चों को फ़ोन करते हैं, वो जेके हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, पुलिस को खबर होती है, मेडिकल किया जाता है और मुकदमा कायम किया जाता है। मुकदमा कायम करने के बाद दो टीमें लगाई जाती हैं चिन्हित करने के लिए और पता करने के लिए। विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए टीम ने घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल और उसमें जो व्यक्ति सम्मिलित थे, तीन व्यक्ति, वो गिरफ्तार कर लिया है।